ओके, तो स्टेप बाय स्टेप में हम बात कर रहे थे कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आप करोगे शैम्पू, है ना, शैम्पू करोगे विद ऑप्टिक केयर शैम्पू के साथ। ये वाला जो हमारा शैम्पू है उसके नाम लिखा है ऑप्टिक केयर शैम्पू। अब शैम्पू आपको कितने बार करना है डिपेंड करता है आपकी मॉडल के ऊपर। मॉडल ने अगर 3-4 दिन से वॉश नहीं किया है तो आप क्या करोगे, दो बार वॉश करोगे, राइट। लेकिन अगर हमारी मॉडल जो अभी हमने जो मॉडल डिसाइड की है वो अभी आते से उन्होंने क्या बोला, मैं वॉश करके आई, तो आप कितने बार वॉश करोगे, एक बार इनफ है, फास्ट फास्ट वाला वॉश हम करेंगे। शैम्पू हो जाने के बाद आप करोगे टॉवल ड्राई, उसके बाद आप उसको चेयर पर लेकर जाओगे, केक उसको पहनाओगे, जो केक होता है कटिंग केक जो होता है ना एप्रन की तरह, वो उसको पहनाओगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 सेक्शन डिवाइड करेंगे, 4 बेसिक सेक्शन जो हमने आपको कल भी बताया था। 4 बेसिक सेक्शन कैसे होते हैं, सेंट्रल प्रोफाइल एंड ईयर टू ईयर एक सेक्शन होता है, वो 4 बेसिक सेक्शन होते हैं, वो हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे विद क्रीम, क्रीम के साथ में हम एप्लीकेशन करेंगे। क्रीम थोड़ी थोड़ी निकालनी है आपको, एक साथ ज़्यादा क्रीम नहीं निकालनी है आपको, ओके। आप जितने बार चाहे उतने बार निकाल सकते हो, बट थोड़ी थोड़ी निकालो। क्रीम आप ले लोगे, क्रीम एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे पीछे से, नेप एरिया से, नेप ये होता है, ओके। तो पीछे का जो 2 सेक्शन पीछे है हमारे, अगर 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों भी पीछे से ही अप्लाई करेंगे। तो अगर 1 पर्सन अप्लाई कर रहा है तो वो भी पीछे से ही अप्लाई करेगा, नेप एरिया से ही स्टार्ट होगा। यहाँ के बाल सेंसिटिव होते हैं, यहाँ से हम अप्लाई नहीं करेंगे, स्टार्टिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे, अदरवाइज ओवर फ्रिज हो सकता है, ओवर प्रोसेस, जल्दी प्रोसेस हो सकता है यहाँ का। आपका यहाँ का स्टबन बाल है, यहाँ पे हम पहले लगाएंगे। नेप एरिया से स्टार्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्कैल्प। स्कैल्प में प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए बिल्कुल, स्कैल्प में प्रोडक्ट लग जाता है तो आपको इमीडिएटली क्लीन करना है, बट स्कैल्प में प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं है। स्कैल्प से थोड़ा दूर रखकर हमको स्कैल्प में प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लेंस पर ही प्रोडक्ट हम लगाएंगे। एप्लीकेशन का तरीका हम प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। आपने एप्लीकेशन करना है, जैसे ही सारे सेक्शन एप्लीकेशन हो जाएगा, जैसे आपने पीछे से स्टार्ट किया, आपको फास्ट एप्लीकेशन करना है पहला पॉइंट, बहुत स्लो स्लो एप्लीकेशन नहीं करना है, केमिकल सर्विस है ये। अगर आपने बहुत स्लो स्लो एप्लीकेशन किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो ये ओवर प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ तो पहुँचे ही नहीं हो तो यहाँ पे प्रोसेस ही नहीं होगा, तो कहीं वेव कहीं पे हो चुका होगा, कहीं स्ट्रेट कहीं वेव, ऐसा रिजल्ट आएगा, ओके। नाउ आपको एप्लीकेशन करना है फास्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्लव्स पहनकर ही एप्लीकेशन आपको करना है। एप्लीकेशन जैसे ही आपका हो गया, आपने उसको वाइट टूथ कॉम से स्ट्रेट कॉम कर देना है, एक भी फोल्ड्स नहीं चाहिए, कपड़ों पे फोल्ड्स होते हैं ना वैसे फोल्ड्स नहीं चाहिए, प्रॉपर कॉम करके स्ट्रेट रखोगे बालों को, आगे के बाल भी स्ट्रेट दोनों साइड से। अब प्रैक्टिकल जब हम करेंगे हम आपको बताएंगे कि कैसे स्ट्रेट आपको रखना है। उसके बाद आप 10 मिनट्स में आप चेक करोगे हुआ है नहीं हुआ है। अब चेक करने का तरीका, प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ है उसका तरीका अलग अलग यूज करते हैं। कोई कोई टेलकॉम में ऐसे डाल के देखता है, कोई स्ट्रेच करके देखता है, कोई नॉट बनाकर देखता है। तो जो सबसे इजी है वो है स्ट्रेच करना। स्ट्रेच करेंगे, कर्ल्स पैटर्न बनता है मैगी कर्ल्स, तो हो गया है प्रोसेस, ओके। तो वो भी हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे कि कैसे आपको चेक करना है बाल। चेक क्यों करना है, क्योंकि ये जो है ये पूरा प्रोसेस जो है विजुअल चेक है, हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि सारा बाल अलग अलग होता है, एवरी हेयर इज डिफरेंट, किसने क्या ट्रीटमेंट किया है, किसने कौन सा कलर लगाया है, किसका बाल स्टबन है, किसका बाल नॉर्मल है, किसी का बाल बहुत जिद्दी है, जल्दी नहीं ब्रेक होगा, तो आपको विजुअल चेक ही करना है। विजुअल चेक में आप 5-5 मिनट्स पे चेक करते रहोगे, जैसे अभी आपने चेक किया, एप्लीकेशन हो गया, 10 मिनट के बाद आपने चेक किया, इसके बाद एवरी 5 मिनट्स आपको चेक करना है टिल द प्रोसेस डन। जब तक प्रोसेस नहीं होता है तब तक आप हर 5 मिनट पे चेक करते रहोगे, समझ में आ गया, इसको बोलते हैं हम विजुअल चेक। जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा तो हम करेंगे पानी से रिंस। अब अगर मैं बोल रही हूँ रिंस, रिंस का मतलब होता है सिर्फ पानी से, अगर मैं वॉश बोल रही हूँ उसका मतलब होता है शैम्पू से, तो यहाँ पे हम अभी हम शैम्पू यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी से हम उसको रिंस करेंगे।
रनिंग वाटर में पूरा जो हमने फर्स्ट क्रीम लगाई है वो पूरी अच्छे से निकल जाना चाहिए। पूरी निकलने के लिए आप रनिंग वाटर में अच्छे से बोलते हैं 7 से 10 मिनट पानी ऐसे बह रहा है तो पूरा ये प्रोडक्ट निकलना चाहिए। उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट निकल जाता है तो आप वर्क स्टेशन पे आओगे, टॉवल ड्राई करोगे, ड्रायर से 100% ड्राई करोगे और फिर आप क्या करोगे, आप आयनिंग करोगे। अगेन आप 4 सेक्शन डिवाइड कर लोगे, फिर आप करोगे आयनिंग। अब यहाँ पे जो आयनिंग का फोर्स है बहुत स्ट्रांग, आयनिंग के जो पासेस हो गए हमारे बहुत स्ट्रांग आयनिंग करेंगे हम, हल्की हल्की आयनिंग नहीं घुमाएंगे क्योंकि ये रेगुलर नहीं है। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कर रहे हो तो आपका जो फोर्स होना चाहिए आयनिंग पकड़ने का, आयनिंग करने का, वो हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे कि कैसे आपको आयनिंग करनी है, कितना आपको फोर्स डालना है आयनिंग में और 90 डिग्री पे आपको कैसे आयनिंग होल्ड करनी है। आयनिंग जैसे ही ऑल फोर सेक्शन पे हो जाएगा तो आपको यूज करना है न्यूट्रिलाइजर। ये स्टेप टू बोला जाता है, ये स्टेप वन क्रीम होता है, स्टेप टू न्यूट्रिलाइजर होता है। अगेन आपने 4 सेक्शन डिवाइड करना है और आपने नेप एरिया से ही न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। पूरा एप्लीकेशन हो जाएगा, अगेन आपको कोम करके, स्ट्रेट कोम करके चारों सेक्शन को छोड़ना है। उसके बाद आप रखोगे इसको पूरा 10 मिनट। इसका जो टाइमिंग है वो है 10 मिनट्स। इसका जो स्टेप टू है हमारा, स्टेप टू 10 मिनट्स तक आपको इसको छोड़ना है। 10 मिनट लगाओगे, 10 मिनट के बाद पानी से रिंस करोगे और आप लगाओगे मास्क लगा के 5 से 7 मिनट रखोगे, पानी से रिंस करोगे, ड्राई करोगे और सर्विस कंप्लीट। चाहिए तो एक आप बड़ा बड़ा आयनिंग का पासेस मार सकते हो मास्क के बाद, मास्क लगाओगे, रिंस करोगे, टॉवल ड्राई करोगे, 100% ड्राई करोगे, सर्विस खत्म हो गई ना आपकी। न्यूट्रलाइजर रिंस किया, मास्क लगाया, रिंस किया पानी से, 5 से 7 मिनट रखो, पानी से रिंस करो, उसके बाद में ड्रायर से 100% ड्राई करो, ब्लो ड्राई करो। आइनिंग चाहिए तो बड़ा बड़ा सेक्शन आइनिंग आप कर सकते हो, ठीक है, डन। और उसको बोलो कि अभी आप जा सकते हो, 3 दिन तक आपने पानी नहीं लगाना है, फोल्ड्स नहीं पड़ना चाहिए और उनको होम केयर आप दोगे। होम केयर में आप दोगे शैम्पू, कंडीशनर और सीरम, मस्ट है। अगेन उनको आपको बोलना है कि 15 डेज पर या फिर 20 डेज पर हेयर स्पा करें, ओके, उनके बालों को मॉइस्चराइज करते रहना जरूरी है इसीलिए। डन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? थैंक यू सो मच मैम। लीन में थोड़े बहुत बाल मतलब फोल्ड हो जाते हैं क्लाइंट के, हाँ, तो फिर थोड़ा बहुत फिर उसका